अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पता नहीं क्या कैसे बात हमारी होगी और बहुत अच्छी डिस्कशन होने वाली है, बहुत अच्छी गुफ्तगू होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को किसी भी किस्म का कमेंट देने से पहले पूरा ज़रूर देखना है, कमेंट भी करना है, सजेशन भी देनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो आते हैं हम अपने मुद्दे पर। एक्चुअली बात हम इस टॉपिक पर करना चाह रहे हैं कि हम जी बड़े स्टूडेंट्स का, इवन के हमारी एज फेलो या एज फेलो के जो लोग हैं, हमेशा यही कहते हैं जी हमारा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, पढ़ने को दिल ही नहीं करता। यार ऐसा क्या किया जाए कि इंसान बहुत बड़ा जाए? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे कोई किसी किस्म की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के कोई डंडे की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने आप पे फोकस होना चाहिए कि यार खुद को तो पहचानो। सबसे पहली बात मैं बड़े अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, हमारे यहाँ इवन के पाकिस्तान में पढ़ाई का सिर्फ दो ही मकसद है कि जी एक तो डिग्री नाम की, जिस बंदे ने ये डिग्री की हुई है, कुछ लोग इस बिहाफ पे कर दे रहे, कुछ लोग अच्छी जॉब के लिए। मैं मानता हूं ये चीजें भी पढ़ाई देती है, जरूर देती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इंसान इंसान बनना चाहे, देखिए ह्यूमन बींग सब हैं, लेकिन इंसान वो होता है जिसमें एहसास हो, जिसमें अच्छे और बुरे की तमीज हो, जिसको ये पता हो विच वन इज द राइट पाथ, किस पाथ पे चलकर वो जिंदगी गुजारेगा। क्योंकि ये जो गाड़ी जिसपे हम चल रहे हैं, जिसको जिंदगी का नाम देते हैं, ये जो नेमत है ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती है, इसमें हम अपनी मर्जियां नहीं चला सकते। जहां पे खुदा ताला ने फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब फुल स्टॉप लगा दिया, वहां पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी। खैर मैं आता हूं मेन मुद्दे पे कि अगर पढ़ाई पे दिल नहीं लगता तो उसकी रीजन, उसके कॉजेस क्या है। सबसे पहले कॉजेस में बात करते हैं। रीजन ये है कि अगर जी मेरे अबाजी के पास बहुत दौलत है, बहुत माल है, यार मुझे क्या पढ़ाना है, मैंने बड़े पढ़े लिखों को देखा है, मेरे अब्बा के यहां जॉब कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, ये चीज कभी आपको आगे नहीं आने देती, मोस्टली ये चीज होती है। दूसरा जी हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आपको नहीं पता कि एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आप सिर्फ अपने अबाव अजदाद की दौलत की वजह से, उनके बिजनेस की वजह से, उनके नाम की वजह से नहीं कुछ कर रहे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि खुदा ताला की जात इंसान से छीन कर और देकर दोनों तरह से आजमाती है। अगर उसने छीन लिया तो क्या करोगे, अगर बाप ना रहा तो क्या करोगे, अगर बाप का नाम ना रहा तो क्या करोगे, क्या सड़क पे आ जाओगे, भीख मांगना शुरू हो जाएगा? उस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी जब तुमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड 100% रखा हुआ था और तुम्हें जीरो पे आना होगा और तुम खुदकुशी कर जाओगे। तो अगर जीना चाहते हो तो खुद को पहचानो, खुद का एक टारगेट सेट करो और पढ़ाई का सिर्फ ये मकसद नहीं रखो कि सिर्फ अच्छी यानी अच्छा इंसान भी बने। हर तरह के हालात से डटना सिखाती है स्टडी, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना सिखाती है स्टडी, हर तरह की सिचुएशन में कैसे फेस करना है, कैसे टैकल करना है, ये सिखाती है स्टडी, मां बाप की तमीज सिखाती है स्टडी, अच्छे और बुरे का फर्क बताती है स्टडी, और स्टडी से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये सारी चीजें। आपको कोई बंदा कोई बात करता है, सबसे पहले आप हमेशा उसको सर्च आउट करते हो कि यार उसने जो बात की है वो कैसे सच है। आजकल के मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं स्टूडेंट्स को, अगर मैं कोई बात क्लास में बताता हूं कि बेटे ऐसे है ऐसे है, वो डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चन करते हैं सर हाउ कैसे, और अगले दिन वो घर में बैठ के गूगल पे जाके, ब्राउजर पे जाके सर्च करते हैं कि ऐसा है भी या नहीं। तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। बहुत लोग इस बात में माइंड कर जाते हैं कि यार तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करे, ये बात गलत नहीं है। बात ये है कि जब हम तक कोई इंफॉर्मेशन मिले, चाहे वो इस्लामिक ही क्यों ना हो, हमें सबसे पहले उसकी सर्च करनी चाहिए, क्या ये बात ऑथेंटिक है, उसका रेफरेंस मांगना चाहिए, और जब हम रेफरेंस मांगते हैं तब जाके हमें तसल्ली होती है कि ये बात वाकई ही सच है। तो रही बात स्टडी की, तो इस बात को मैंने बड़े अच्छे से आपको क्लियर कर दिए। बड़ी लोगों की मिसालें तो हर इंसान दे लेता है कि उस बंदे ने पढ़ा तो वो ये बन गया, उस बंदे ने पढ़ा तो वो ये बन गया। मैं सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत अच्छी एग्जांपल देना चाहता हूँ। मोस्टली जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। अभी 2020 चल रहा है
और मैं लाहौर में रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा, ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा अमीर हूँ, लेकिन एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, खाने को रोज़ मिलता है, अच्छा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़, एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी बैकग्राउंड देखूँ तो ना तो मेरा माँ बड़ी हुई थी ना मेरा बाप बड़ा हुआ था। आज से 20 साल पहले मेरे वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके बाद जिस दिन मेरे वालिद की डेथ हुई थी मेरी वालदा के पास सिर्फ 400 रुपए था, जो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट के पैकेज में या 1 या 2 दिन के पैकेज में हम इसको जाया कर देते हैं। उस 400 रुपए में उस औरत ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, अगर किसी के घर में कपड़े भी धोने पड़े ना मेरी जान वो भी धोए, लेकिन उन्होंने क्या किया, किस चीज को फोकस रखा कि मेरे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, दुनिया इधर की इधर हो जाए, भूखा सो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्टडी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, मुझे जितने टीचर्स मिले, मैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स में गया, हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया गया। ये नहीं कि मैं किसी अच्छी फैमिली, मतलब बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता तो मुझे दिक्कारा था, लेकिन मेरी स्टडी की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया जाता था। और एक टाइम अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि 2013 से मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज 7 साल हो चुके हैं, मैंने शादी भी करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपए से लेकर हर एक चीज का खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उठाया है। तो ये मैं सारी बात, इतनी स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इस तरह के सर खुद को बड़ा कामयाब समझ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को इसलिए कामयाब समझता हूं। कामयाबी की डेफिनेशन बेटा वही होती है जब आप दिल से खुश हो, मुतमिन हो जिस काम से, उसको कामयाबी कहते हैं। मैं इस बात में कोई मतलब नहीं, मैंने आपको अपनी पर्सनल लाइफ, बहुत ही पर्सनल लाइफ शेयर कर दी है कि जिंदगी में इतने टफ इम्तिहानात भी आए थे कि चुबुर्जी पे जाके वहां पे कासिया मस्जिद में इफ्तारी लोगों के साथ, जो आप ये कह सकते हो जहां पे गरीब लोग लंगर खाने में बैठते हैं, वहां पे बैठकर भी खाने खाए हुए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एमफिल हूं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में और 1 LAC अर्निंग पर मंथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो शुक्र अल्लाह ताला का कि जब दिन में मैं रात को घर आता हूँ, इवन कि मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका होता है, बट मैं इस बात में तसल्ली भी होता हूँ कि मैंने जो काम किया है वो पूरी ईमानदारी से किया है। कभी भी कोई चीज़ प्लेट में रख के नहीं दी जाती, सोने के नवाले आपके मुँह में डाले नहीं जाते। हम मूवीज़ देखे खुद को हीरो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन हीरो बनने में, टाइम बनाने में, अपना नाम कमाने में, शोहरत कमाने में एक टाइम लगता है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप एक टॉप लेवल पे आते हो। दुनिया का सामना करना जानना है, दुनिया को सामने से देखना है, दुनिया का मुकाबला करना है, लोगों में अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, तो खुद को एजुकेट करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में गौर करो। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जात पे ही गौर कर लो, तो इवन के ना तो सिर्फ अपना फायदा करोगे, अपनी फैमिली का फायदा करोगे, इस मुल्क का फायदा करोगे, इस दुनिया का फायदा करोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम अपने फायदे के बारे में सोच लो, तुम्हें यह पता चल जाए कि कौन सी चीज तुम्हें फायदा पहुंचा रही है। होपफुली मेरी ये उम्मीद है कि अगर मेरी इस बात को सुनकर कोई 1 से 2% लोगों को भी असर होगा तो मुझे एक दिल की तसल्ली हो जाएगी। कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला की जब मेरे से पूछेगी कि हाँ अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया था अहमद, क्या तुमने ये बात आगे डिलीवर की या नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने के काबिल हूँगा, मेरी ये जुबान बोलेगी कि मैंने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया था। आप लोगों से मैं हमेशा ये बात कहता, अगर कोई अच्छी बात आपको मिलती है उसको आगे तक पहुंचाए, क्योंकि ये का जारिया है। हमारे यहां मरने के बाद अगर हमें कोई चीज फायदा पहुंचाएगी, हमारी कही हुई बात हमें कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी, हमारा किया हुआ अमल, तो ऐसे अमल करके जाने हमने इस दुनिया में कि हम हमेशा जिंदा रहें। हमेशा जिंदा रहने का मतलब यह नहीं कि हमने आबे हयात मिली है, हमारा आबे हयात हमारे अच्छे अमाल हैं, हमारे अच्छे लफ्ज हैं जो हम इस दुनिया में करके जा रहे हैं, हमारे अच्छे लफाज हमें, हमारे लिए आबे हयात कंसिडर होंगे, हमारे लिए बायस रहमत बनेंगे, हमारी आखरत में कामयाबी, अगर हम आखरत में कामयाब हो गए तो हमारा जिंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया। और जब अल्लाह ताला के सामने सुरखुरू हो गए तो मेरी जान आपको फिर चाहिए ही क्या। तो अल्लाह ताला के सामने कामयाब होने का भी एक ही कुलिया कि खुद पे मेहनत करो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि खुद को पहचान लोगे तो अल्लाह ताला की जात को पहचान लोगे। कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हर चीज में बताते हैं कि मुझे पहचानो, और मुझे पहचानने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की जात के बारे में जानना। मंसूर को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया अनलग कहने से, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो खुदा है, उन्होंने अपने आप में खुदा को इसलिए देखा कि वो जिस सिफत से अल्लाह ताला जाने जाते हैं। सो अपना बहुत सारा सा
ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट सजेशन आप जो भी वीडियो होगी वो आपकी सजेशन पे बनेगी। होपफुली अपना अपना बहुत सारा सा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।